में मोदी जी की सरकार के पूरे 8 साल हुए हैं और इसलिए पार्टी ने तय किया अपने अपने प्रदेशों में कार्यक्रम तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत आए हैं, परंतु चुनाव की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। अभी 1 तारीख को नगरी क्षेत्रों के भी चुनाव घोषणा हुई है कुछ नगर पालिका पंचायतों को छोड़कर, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक तो प्रेस का कार्यक्रम हो, संदेश चला जाए गरीबों के बारे में और इस पर चर्चा हो, और जितना हमने काम किया है उसके बारे में लोगों तक जानकारी होना चाहिए। ये एक मूल कारण है, और इसीलिए ये जो अंत्योदय का कार्यक्रम है, गरीब कल्याण योजना, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जितने इस प्रकार के काम किए हैं, चाहे वो हमारे अंत्योदय योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, उज्ज्वला का योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितने भी आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के कार्यक्रम हो, ऐसे अनेक योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में हम अभी तक जो भी हम प्रयास हमने किया है या सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने, हमारा टारगेट रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना थी उस समय जब प्रधानमंत्री बने तो सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास मिलकर के हम भारत के लोगों के बारे में का निर्णय इस प्रकार का निर्णय किया है, और इसलिए सरकार की अंत्योदय की योजना सुशासन और गरीब कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है। कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन का मुद्दा जितने जोर शोर से उठाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घाटी में फिर तनाव बना हुआ है, कश्मीरी पंडितों में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, लौट रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार लगी है, हमारे गृह मंत्री जी भी इसकी चिंता कर रहे हैं और देश के लोग भी चिंता कर रहे हैं। सरकार पूरे सूचना है सरकार को, और हम कह सकते हैं कि जितने इस प्रकार के जो लोग हैं उनके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, ईमानदारी के साथ जो हम संरक्षण दे सकते हैं सरकार के रहते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे और कहीं कोई भय का वातावरण नहीं रहेगा, ये हम कह सकते हैं। महंगाई चरम पर है, दोनों सरकारें आपकी केंद्र और राज्य क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रही है? देखिए, इसमें अभी आपको ध्यान होगा डीजल पेट्रोल में भी हमने थोड़ा अभी कम किया है, और जो वास्तव में महंगाई है हम सबके लिए चिंता का विषय है, परंतु धीरे धीरे ये हमारे नियंत्रण में आ जाएगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसमें नियंत्रण हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। सर, घाटी को लेकर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाया है कि जैसे भाजपा सक्रिय वैसे कांग्रेस नेताओं को सक्रिय होना चाहिए। अब देखो, ये कांग्रेस का काम है, ऐसा है, देखो कांग्रेस हो गई बूढ़ी, अब 100 साल आदमी जीता नहीं, तो कांग्रेस की यही स्थिति है, और इसीलिए अब ढांचा ही बच गया है और क्या है। अभी बीजेपी के बारे में अभी 43 साल है, जवान है, नौजवान है, युवा है, और इसलिए हम ताकत के साथ काम कर रहे हैं जनता के लिए, यही फर्क है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।